और राजनीति की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं और थोड़ी देर पहले वो ग्वालियर पहुंच गए थे, जहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को वो संबोधित करेंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल को संभालना भी बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के लिहाज से 230 जो विधानसभा सीटें हैं, तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके हैं, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार पहुंचे हैं। यहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और थोड़ी देर में वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देंगे। इससे पहले अमित शाह भोपाल पहुंचे थे, जहां पर शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। तो अमित शाह ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश के कर रहे हैं, पिछले दौर में वो मालवा क्षेत्र में गए थे, इस बार ग्वालियर चंबल पर फोकस है। 20 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है शिवराज सरकार का, वो भी उन्होंने पेश किया है। हालांकि उस रिपोर्ट कार्ड पर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू है, लेकिन ये तस्वीर जो है ग्वालियर की दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और कार्य समिति की बैठक वहां पर हो रही है। शिवराज जी ने जिस प्रकार से मोदी जी की हर योजना को नीचे पहुंचाया है, वो आने वाले समय में ये नींव पर हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुशहाली और विकास को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया कि अगला चुनाव है वो बंटाधार की ओर से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है, बीमा रूप की ओर से सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए मध्य प्रदेश को बनाने का चुनाव है, और आगामी चुनाव गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव। और मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि दाएं बाएं भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें। और सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी ब्रजेश राजपूत का, जो हमारे साथ बने हुए मध्य प्रदेश की सियासत को समझते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से अमित शाह का ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है, लगातार बार बार वो मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, जहां पर आज अमित शाह हैं, और जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, इसको लेकर किस तरीके की राजनीति चल रही है एमपी में? देखिए, अमित शाह ने पूरा चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है, सारे फैसले वही कर रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पिछले तीन महीने में पाँचवा या छठवा दौरा है जब मध्य प्रदेश आए हुए हैं या मध्य प्रदेश के नेताओं को बुलाया हुआ है। आज उन्होंने भोपाल में जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है वो 20 साल की कांग्रेस बीजेपी की सरकार का है, जिसमें उन्होंने गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई हैं उनका जिक्र किया है और कांग्रेस से सवाल पूछा है कि जब 23,000 करोड़ का जो बजट था वो आज 3,00,000 करोड़ का हो गया। तो उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, विकास गरीब राज्य से बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, तो इसलिए जनता हमको वोट दे। इसके अलावा वो थोड़ी देर अभी ग्वालियर पहुंचे हैं, ग्वालियर में इस चुनाव के पहले मध्य प्रदेश बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो चुनाव के पहले समझा जा रहा है आखिरी बैठक है जो विस्तारित बैठक है या कार्य समिति बैठक है। ग्वालियर चंबल इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल में बीजेपी का तकरीबन सुपड़ा साफ हो गया था, 34 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें ही आ पाई थी बीजेपी के पाले में, इसलिए इस बार बीजेपी का जोर है कि वहीं बीजेपी जोर लगा रही है। हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं, केजरीवाल भी वहां पहुंचे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।